कोडरमा में एक ऑटो चालक पिता अपनी बेटी के इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। मेटोकॉर्डियल सेटोपैथी बीमारी से ग्रसित 5 साल की दिव्या शर्मा मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग है और उसकी जिंदगी 2 साल के उम्र के बच्चे के रूप में आकर थम गई है। सहारों के जरिए लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही ये है कोडरमा की दिव्या शर्मा। ये बच्ची बीमारी के कारण उम्र के लिहाज से भले ही बढ़ रही है लेकिन बच्ची बड़ी नहीं हो पा रही है। झुमरी तिलैया के ताराटांड निवासी नमिता शर्मा और विकास शर्मा की 5 वर्षीय इकलौती बेटी शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग तो है ही, साथ ही उनकी जिंदगी 2 साल के बच्चे की उम्र में आकर थम गई है। दिव्या की मां नमिता शर्मा बताती है कि बच्ची को उठाने बैठाने के साथ हर कार्य में उसकी मदद करनी पड़ती है। खान पान से लेकर उसके देखभाल में पूरा दिन बीत जाता है लेकिन बच्ची की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो पा रहा है। लाचार माँ की माने तो दिव्या उनके घर खुशियां लेकर आई थी और 18 महीने तक दिव्या की किलकारियां से पूरा परिवार खुश था, फिर उसके बाद मानो सब कुछ छिन गया हो। उन्होंने सरकार और प्रशासन से बेटी के इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई है। हमारे बच्चे को यह बीमारी हुई है जब 1 साल 8 महीने की थी, तब से इसे यह बीमारी है। तब से हमें भी दिक्कत है, बच्ची को भी दिक्कत है, नहीं चल पाती है, नहीं खाना खा सकती है, नहीं कुछ बोल पाती है। इसे समझने के लिए बहुत ही मुश्किल से उसको समझाना पड़ता है या फिर इसका बात को समझना पड़ता है। मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची अगर ठीक हो जाती है तो अपने पैर पर यह खड़ी हो सकती है। एक माँ के लिए यह बहुत ही कष्टदायक होता है, ऐसे बच्चे को संभालना, इसके पीछे हमेशा ध्यान देना, तभी बच्ची हमारी सही से अभी भी है, चल भी, घसक भी रही है। इसको फिजियोथेरेपी घर में हल्का फुल्का अपना जैसे भी होता है हम करवाते हैं, दवा दारू भी टाइम से करवाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। 1 साल 1.5 साल के पहले ही बच्ची कैसी थी जब जन्म हुआ था? उसमें मेरी बच्ची बिल्कुल नॉर्मल थी, चलती थी, बोलती भी थी, दौड़ती भी थी, सब चीज़ करती थी हमारी बच्ची उस समय, पर 1 साल 8 महीने के बाद कुछ भी नहीं कर पाती है। इलाज कराने में भी आप लोग सक्षम हैं? नहीं, हम लोग तो अब सक्षम पहले थे पर अब हम उसके पीछे अब बहुत परेशान हो गए। ना ही हमारे पास रुपया है, ना ही हमारे पास दौलत है, हम इसके पीछे अब कर सकते हैं। हम यही सरकार से मदद चाहते हैं कि मेरी बच्ची का इलाज में उनकी मदद करें। दिव्या के पिता विकास शर्मा ने बताया कि शुरुआत में कुछ समझ में ही नहीं आया, तिलैया कोडरमा से लेकर रांची तक इलाज कराया लेकिन हर अस्पताल में इस बीमारी को लाइलाज बताकर रेफर कर दिया गया। ऑटो चालक पिता विकास की इतनी मजबूरी है कि इस बीमारी के इलाज में ना तो आयुष्मान कार्ड साथ दे रहा है, ना ही यह बीमारी मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी की सूची में शामिल है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी का अब तक दिल्ली के एम्स और सीएमसी भेलोर में ही इलाज होता है और इन दोनों अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड का कोई महत्व ही नहीं है, जिसके कारण इसके इलाज में लाखों रुपए खर्च होंगे। हमारी बच्ची को माइटोकॉन्ड्रियल सेटोपैथिक नाम की बीमारी है। इस बीमारी में बच्चा अचानक चलना बंद कर देगा, आवाज़ चला जाएगा, मतलब पूरा शरीर इसका कोई काम का नहीं रहेगा, वो जिसे हम लोग विकलांग कहते हैं या पैरालाइज कहते हैं उस टाइप का हो जाएगा। और इसका इलाज हमने बहुत जगह करवाया है लेकिन सभी जगह से कराने के बाद हमको यह पता चला कि इसका इलाज या तो सीएमसी भेलोर या दिल्ली एम्स में ही है और अन्यथा कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे झारखंड में कई अस्पताल में इसको ले जाकर दिखाएं जो कि सभी डॉक्टरों के द्वारा कहा गया कि इसका इलाज झारखंड में नहीं है, जो आप या तो दिल्ली एम्स ले जाइए या सीएमसी भेलोर ले जाइए। इलाज के लिए आप कहाँ कहाँ भर्ती हैं और कैसे कैसे इलाज होगा, कैसे आपकी बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ हो पाएगी? क्योंकि ये पूर्व में हमको सिविल सर्जन कोडरमा के द्वारा 2 किस्त में 1.5 लाख की राशि सीएमसी भेलोर को उपलब्ध कराई गई थी, तब जाके हमारी बच्ची को इलाज करवाया और अब तक हमारी बच्ची इस स्थिति में है। और वहाँ का डॉक्टर को द्वारा कहा जा रहा है कि अगर 5 वर्ष तक हम कंटिन्यू अगर इस बच्ची का इलाज कराएं तो इसमें बहुत जल्द सुधार हो जाएगा। दिव्या के पिता के अनुसार सीएमसी भेलोर में तकरीबन 5 सालों तक नियमित इलाज किया जाएगा तभी सुधार संभव है और इसके लिए प्रत्येक वर्ष 50,000 रुपये का अनुमानित खर्च है।
इधर माइटोकॉन्ड्रियल सेटोपैथिक नामक बीमारी गंभीर और असाध्य रोग की सूची में शामिल नहीं होना स्वास्थ्य विभाग के लिए भी मजबूरी का सबब बना हुआ है। सिविल सर्जन डॉक्टर पार्वती नाग ने बताया कि पिछले वर्ष विभागीय प्रक्रिया से अलग जिला प्रशासन की पहल पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिव्या के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपये मुहैया कराए गए थे, लेकिन सरकारी प्रक्रिया के अनुसार अब आगे मदद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि झारखंड में बच्ची का नियमित इलाज होता तो परिवार को मदद की जा सकती थी। बीमारी का नाम माइटोकॉन्ड्रियल साइटोपैथी उसको हुआ है ना, डायग्नोज हुआ, जो कि असाध्य रोग में नहीं आता है। असाध्य रोग में 3 या 4 बीमारी खाली आता है, जैसे कि एसिड अटैक हुआ, कैंसर हुआ, गुर्दा और हृदय रोग हुआ, ये सब खाली आता है। पूर्व में उसकी मदद की जा चुकी है। जब मैंने नोडल असाध्य रोग को लिखा तो उन्होंने कहा कि आगे इसको अब सहायता राशि नहीं मिल सकता है, कहे कि ये उस बीमारी में आता भी नहीं, लिस्ट में नहीं आता। क्या हो जाता है इस बीमारी में, एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में है कि वो मरीज बढ़ती नहीं है, उसको बेहोशी का ही आता है ना, हाँ वो चल नहीं पाएगा बच्चा ठीक से, यही सब दिक्कत रहता है। बहुत कम है, बहुत कम है। इधर अपनी बच्ची के इलाज के लिए एक पिता दर दर की ठोकरें खा रहा है और किसी रहनुमा की बात जोह रहा है ताकि उसकी बच्ची का इलाज हो सके और उसके घर खोई हुई खुशियां लौट पाए। ईटीवी भारत के लिए कोडरमा से भोला शंकर सिंह।